आज मैं आपको कवर कराऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, यहां से मैंने आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को तीन सेक्शन में डिवाइड किया है। आपका जो पहला लेक्चर होगा वो न्यूटन के लॉ और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर सेकंड के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एलिवेटर और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉब्लम्स। लेक्चर नंबर तीन, वहां मैं आपको पुली के कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल सवाल एक्सप्लेन करूंगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो एयरफोर्स नेवी का जो पैटर्न है वो यहां से सवाल पूछता है, उसकी डिमांड है। और ये टॉपिक काफी लेंदी भी है और थोड़ा थियोरेटिकल भी है, और जनरली इसी वजह से बच्चों का ये टॉपिक है बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वीक जोन होता है। और मुझे उस वीक जोन से आपको स्ट्रांग जोन में लाने के लिए मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि कम कम सेक्शन से और अलग अलग पार्ट देने से चीज़ें बहुत बेहतर हों और हर टॉपिक पर अलग अलग क्वेश्चंस आपको मिलें। ऐसा नहीं है लेक्चर एक वीडियो में पूरा करा दिया और एक ही साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन करा दिए, इस तरीके से टॉपिक स्ट्रांग नहीं होता कभी। ठीक है, मैं आपको इस लेक्चर को टॉपिक वाइज कराऊंगा, और आगे भी जरूरत पड़ी किसी टॉपिक को ऐसे कराने की, लग रहा है कराने की अगर नीड पड़ी तो मैं आपको वहां भी ऐसे ही कराऊंगा। ठीक है, तो देखो हर लेक्चर के अंदर मैं आपको थ्योरी के साथ साथ उसके क्वेश्चन भी आपको दूंगा, और जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत औसम है, आप उनको देखना। ठीक है, और देखो हम जिस कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, लगातार मैं आपको वीडियोस लेके आ रहा हूं, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आप भी मेहनत करिए। मेरा जो टारगेट है वो है नेवी डबल SSR का जो एग्जाम है उस तक आपको कंप्लीट फिजिक्स कवर करा के देना, एक क्वालिटी का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना। बस आपको करना क्या है, मैं पहले दिन से ही आपसे बोल रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ें पहुँचें और एक फ्री एजुकेशनल लोगों तक पहुँचे। आपको कोई भी, आपको यहाँ कुछ पे नहीं करना, आपको बिल्कुल वीडियो फ्री मिल रही है। जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन टॉपिक है ये सर इसाक न्यूटन ने अपनी बुक द प्रिंस पिया के अंदर अपने जितने लॉ दिए थे, उन्होंने तीन लॉ दिए थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, थर्ड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। उन्होंने तीनों के तीनों लॉ अपनी द प्रिंस पिया बुक के अंदर भी एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो एयरफोर्स नेवी डिमांड करता है उसके ब्याह पर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है, यानी भ्रामावस्था में है या वो गति कर रही है, जब तक उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब कोई बाहरी बल नहीं लगाओगे, तब तक वो बॉडी ना मूव करेगी ना वो रेस्ट में आएगी। मतलब देखो ये है कि अगर हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी अगर रेस्ट में है, कैसी है? रेस्ट में। ठीक है, तो अगर बॉडी रेस्ट में है, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर ये बॉडी मोशन में है, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये मोशन में ही रहेगी। ये लॉ ये एक्सप्लेन करता है, क्लियर है? मतलब जब तक बॉडी रेस्ट में है, जब तक आप उस पर बाहरी बल नहीं लगाओगे तब तक वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में मूव कर रही है तो तब तक अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो मोशन में ही चलती रहेगी, तब तक नहीं रुकेगी। तो ये लॉ है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बहुत सिंपल है। अब देखो इसी लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्सिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया That is, जड़त्व का नियम। ये लॉ गैलीलियो ने दिया था, लॉ ऑफ इनर्सिया, इसलिए इसे लॉ ऑफ गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ गैलीलियो, क्लियर है? इसलिए इसको हम गैलीलियो के नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
अब देखो यहां एक वर्ड है इनर्सिया। इनर्सिया का मीनिंग बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और नेसेसरी है ये टॉपिक, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। देखो इनर्सिया का मतलब, देखो पहले आप इनर्सिया का सेंस क्या है। इनर्सिया को हिंदी में हम जड़त्व तो कहते हैं, ठीक है। इनर्सिया बेटा किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, तो इनर्सिया डिपेंड अपॉन द मास ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इनर्सिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। दूसरा, जिस बॉडी का ज्यादा मास होगा उसका इनर्सिया ज्यादा होगा, मतलब विच बॉडी हैव हायर मास दैट बॉडी हैव हायर इनर्सिया। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्सिया भी ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं हायर मास बॉडी, मास बॉडी हैव इनर्सिया, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास ये बॉडी है, इसका मास 10 किलोग्राम है और इसका मास 2 किलोग्राम है। अब मैं आपसे बात करूं कि बताओ किस बॉडी का इनर्सिया ज्यादा होगा, तो जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्सिया भी ज्यादा होगा। तो किसका इनर्सिया ज्यादा होगा? पहली वाले का, क्योंकि इसका मास कितना है? ज्यादा पहली से। तो ये इनर्सिया का लॉजिक है, आना चाहिए हमको। अब ये तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने एक्सप्लेन किया था इसलिए हमको लॉ ऑफ गैलीलियो के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर इनर्सिया क्या होता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, दूसरा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। देखो ये लॉ क्या बोलता है, बहुत अच्छे से मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना। पहले लॉ क्या बोलता है, फिर ये कह क्यों रहा है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। लॉ ये बोलता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ ये बोलता है, यानी जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब ये लॉ सिर्फ इतना बोलता है, लेकिन इस लॉ को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। देखो ये लॉ कह क्या रहा है, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलता है, वो एक्सप्रेशन होता है एफ बराबर एम ए। यानी अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, अगर कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दैट मींस उसके पास फोर्स भी होगा। जिस बॉडी के पास एक्सेलरेशन नहीं होता उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगता, वहां फोर्स जनरेट नहीं होता। पहली बात तो ये, मतलब इसका मतलब ये, कोई बॉडी कांस्टेंट मास से, अगर इस बॉडी का मास कांस्टेंट है और ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तब यहां जो फोर्स लगेगा वो इस पर कितना लगेगा? एफ बराबर एम ए। क्लियर है? तो मैं यहां से बोल सकता हूं एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पढ़ रखा है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यह है अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है, वेग है, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, दैट मींस उस बॉडी के पास फोर्स होगा, ठीक है। यानी कोई बॉडी वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट मींस उसके पास फोर्स है। कोई बॉडी ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, दैट मींस उसके पास फोर्स है। दूसरी बात, अगर कोई बॉडी के पास वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, दैट मींस उसके पास कोई फोर्स नहीं है। कोई बॉडी के पास एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मींस उस बॉडी के पास फोर्स नहीं है। आप इस एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो। अब देखो आप, अब एक काम करते हैं, यह आ गया आपका एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी एफ। यहां से मैं आपको एक रिलेशन निकाल के दूंगा और ये चीज भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होगी, जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी ये चीज एक्सप्लेन होगी। अब देखो आप, एक होता है मोमेंटम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पी। देखो ये पी, पी क्या होता है? मोमेंटम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो पी बराबर होता है एम बी। किसी बॉडी का मास अगर एम है और वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट मींस उसके पास मोमेंटम होगा,
ध्यान से सुनो, किसी बॉडी का मास कांस्टेंट है और वो वेलोसिटी वी, वो बॉडी जो है वो बी वेलोसिटी से चल रही है, वी वेग से चल रही है, दैट मींस उस बॉडी के पास कुछ न कुछ मोमेंटम है। अब देख बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर वेलोसिटी किसी बॉडी की जीरो हुई यानी बॉडी रेस्ट में है, उस अगर बॉडी रेस्ट में है तो मतलब वेलोसिटी जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी जीरो है दैट मींस उसका मोमेंटम भी जीरो होगा। अगर उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मींस उसका मोमेंटम भी चेंज होगा। तो वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी चेंज होता है, ठीक है। तो यहां से चीज क्लियर हुई। अब देखो एम डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज, डेल्टा बी का मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के चेंज होने के साथ साथ मोमेंटम भी उसका चेंज होगा, क्लियर है। अच्छा आप यहां से इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, देखो ये डेल्टा बी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी में चेंज, तो वी माइनस यू। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो ये क्या आ जाएगा, एम बी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। अब देखो एम बी का मतलब क्या होता है, पी, लेकिन वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, अगर फाइनल वेलोसिटी है तो मोमेंटम कौन सा, फाइनल, और यू कौन सा, इनिशियल वेलोसिटी, तो मोमेंटम कौन सा, इनिशियल। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं आगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। और देखो पी फाइनल माइनस की पी इनिशियल को क्या बोलेंगे हम, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो हम इसको एफ बराबर क्या निकल के आ गया, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यही चीज यहां थी, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो उसको चाहे ऐसे एक्सप्लेन कर लो चाहे ऐसे एक्सप्लेन कर लो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है डेल्टा पी, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट मींस उस बॉडी के पास फोर्स भी चेंज होगा, या मैं यूं बोलूं अगर किसी बॉडी का मोमेंटम पी है दैट मींस उसके पास कुछ न कुछ फोर्स जरूर होगा। मैं चीज दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, दोबारा सुनो, मैंने आपसे बोला अगर कोई बॉडी है जिसके पास वेलोसिटी वी है, ठीक है, दैट मींस उसके पास कुछ न कुछ फोर्स होगा, या मैं यूं बोल दूं कोई बॉडी कॉन्स्टेंट मास है और उसका एसलेशन ए है, यानी उसके पास एसलेशन है, उसका मतलब क्या, उसके पास फोर्स होगा, ये बात भी क्लियर है। तो अगर किसी बॉडी के पास वेलोसिटी है तो उसके पास मोमेंटम भी होगा, अगर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा तो उसका फोर्स भी चेंज हो रहा होगा, या मैं यूं बोलूं अगर किसी बॉडी के पास मोमेंटम है तो उसके पास फोर्स भी होगा। तो ये जो लॉ एक्सप्लेन करता है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यानी संवेग के दर, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है, संवेग की दर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम माने संवेग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के, ये लॉ इसने एक्सप्लेन किया है। और जितनी बातें मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं वो इसी लॉ के अंदर काउंट की जाती हैं, ठीक है, ये नोट करो, फिर मैं आपको थर्ड लॉ एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो अब कवर करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है यानी एक्शन करती है तो वो जो दूसरी बॉडी है वो तुरंत पहले वाली बॉडी पर रिएक्शन करती है, यानी अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन करेंगे तो तुरंत दूसरी बॉडी आपको रिएक्शन देगी। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो दूसरी बॉडी भी आप पर फोर्स लगाएगी। देखो कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, दिस इज अ बॉल, और ये मेरे पास बैट है, ये बैट है, ठीक है, ये मान लो ये आपकी कॉस्को की बॉल है,
और ये आपका नाइक का बैट है, ठीक है। ठीक, अब देखो, अगर मैं इस बॉल को नाम दे रहा हूं ए, बॉडी ए, और बैट को नाम दे रहा हूं बी, ठीक है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, बॉल इस बैट, बॉल को मैं बैट पर फेंक के मारता हूं, थ्रो करता हूं। तो देखो, बॉल इससे टकराई, यानी बॉल ने क्या लगाया, बैट पर एक फोर्स लगाया। किस पर लगाया, बैट पर। तो बॉडी ए ने बॉडी बी पर फोर्स लगाया, ठीक है। अब देखो आप, तो बॉडी बी क्या करेगी, तुरंत रिएक्शन करेगी इधर की तरफ, तुरंत क्या करेगी, रिएक्शन। तो बॉडी बी क्या करेगी, ए पर तुरंत फोर्स लगाएगी। मतलब बॉल ने बैट पर इधर फोर्स लगाया, तो क्या करा, बैट ने भी बॉल पर इधर फोर्स लगाया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो फोर्स लगता है यहां, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। मतलब बॉल ने जो बैट पर फोर्स लगाया है और जो बैट ने बॉल पर फोर्स लगाया है, वो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। ये बॉल इधर लगा रही है, बैट इधर लगा रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन जितना फोर्स है बॉल इस बैट पर लगा रही है, उतना ही फोर्स वो बैट बॉल पर लगाएगा। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और डायरेक्शन कैसी होती है, या अपोजिट। इस लॉ को हम एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा होगा, वो सेम होगा, बट डायरेक्शन कैसी होगी, वो अपोजिट होगी, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं, फोर्स ए बी पर लगाता है और बी ए पर लगाता है, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। ये है। अब देखो आप, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंपल्स। इंपल्स किसे कहते हैं? इंपल्स को हम हिंदी में आवेग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब होता क्या है इंपल्स, ठीक है ना? तो देखो, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम, बहुत छोटा टाइम, छोटा टाइम मतलब डेल्टा टी, बहुत छोटे टाइम के लिए आप फोर्स को डिफाइन करोगे, बहुत छोटे टाइम के लिए क्या, फोर्स को डिफाइन करोगे, उसे हम इंपल्स कहते हैं। तो बहुत बहुत छोटा टाइम, बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए आप फोर्स को डिफाइन करोगे, उसे हम इंपल्स कहते हैं। मतलब बहुत कम टाइम के लिए जो आप फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स और वो बहुत कम ड्यूरेशन, बहुत कम समय जो है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाता है, इंपल्स। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम क्या कहलाता है आपका, इंपल्स कहलाता है, ठीक है। इंपल्स माने आवेग। अब देखो आप, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो भैया ये इंपल्स भी कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यानी ये भी कैसी है, सदिश राशि है, ठीक। क्या है? सदिश राशि। अब देखो आप, फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो आवेग की जो यूनिट निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, न्यूटन सेकंड। अब इंपल्स को हम और दूसरे तरीके से भी यहां एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आप सेकंड लॉ देखें न्यूटन का, तो वो क्या बताया था मैंने, एफ बराबर डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर आप यहां से डेल्टा पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू डेल्टा टी। आप एक काम करो, एफ डेल्टा टी को डेल्टा पी की जगह शिफ्ट कर दो, भाई एफ डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा पी। तो आई बराबर कितना निकल के आ गया, डेल्टा पी। मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम आवेग या इंपल्स के वो बराबर होगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इंपल्स यानी आवेग इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम यानी संवेग में जो परिवर्तन हुआ है वो हमेशा किसके बराबर होगा, इंपल्स के बराबर होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, यूज होंगे। तो इंपल्स जो होता है वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए, बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हम जो फोर्स को डिफाइन करते हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट इंपल्स कहलाता है। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट न्यूटन सेकंड है। इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि जो मोमेंटम में चेंज होता है, ठीक है, मोमेंटम में जो परिवर्तन हो रहा है उसे ही वो इंपल्स के बराबर होता है। अब जितनी भी थ्योरी थी इस लेक्चर के अंदर वो मैंने कवर कर दी है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ,
थर्ड लॉ और इम्पल्स। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको इस लेक्चर में कवर करूंगा वो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो नोट करो, फिर मैं वो एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन, द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर 2 kg एंड 4 kg रेस्पेक्टिवली, हु हैज मोर इनर्सिया? ऑप्शन ए ए बॉडी, ऑप्शन बी बी बॉडी, ऑप्शन सी इनर्सिया ऑफ बोथ ए एंड बी आर इक्वल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये तो क्लियर है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्सिया ज्यादा होगा, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 kg वाली, यानी बॉडी बी। क्लियर है? ठीक, अब देखो नेक्स्ट सवाल, द मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर 2 kg एंड 10 kg रेस्पेक्टिवली एंड दे मूव एट द सेम वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, सेम है, द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ ए एंड बी विल बी, यानी संवेग का ए और बी, सम ए बॉडी और बी बॉडी दोनों का मोमेंटम का रेशियो आपको बताना है क्या होगा। 1:1, 1:5, 5:1, 1:25। तो देखो एक बॉडी का मास 2 kg है और दूसरी बॉडी का 10 kg है। ये बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है m1 वो 2 kg है और एक दूसरी बॉडी है इसका मास 10 kg है और दोनों बॉडी के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, v से मूव कर रहे हैं, तो दोनों का मोमेंटम बताना है। मान लो इसका मोमेंटम p1 है और इसका क्या है p2, तो p1 बट्टे p2 क्या हो जाएगा, m1 इंटू वी अपॉन m2 इंटू वी। क्लियर है? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv, और v दोनों के लिए कांस्टेंट है, सेम है, तो देखो v से तो v गया, तो क्या बचा, m1 अपॉन m2, और m कितना है 2 और m2 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 1/5, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1:5। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यानी किसी वस्तु पर लगने वाला बल बराबर होता है, ऑप्शन ए मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम और ऑप्शन डी इंपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको अभी सेकेंड लॉ के अंदर एक्सप्लेन किया था कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, यानी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसमें ऑप्शन देखो, एक तो दे रखा है संवेग, तो इसके बराबर तो नहीं होगा, वो क्या होगा, संवेग के परिवर्तन की दर, यस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ऑप्शन सी था संवेग के परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम, ये नहीं होगा। एक्चुअली में जो सेकेंड लॉ था वो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा फोर्स। तो इसका ऑप्शन क्या है आपका, बी इज करेक्ट। तो देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो मैंने चीजें बताई थी वही हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मास ऑफ टू बॉडी ए एंड बी आर 2 kg एंड 4 kg, एक बॉडी है उसका मास 2 kg और एक बॉडी है इसका मास 4 kg, इफ ए एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ 10 N ऑन बॉडी बी, अगर ए जो है वो बी पर 10 N का फोर्स लगा रहा है, द रिएक्शन फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए बाई बी विल बी, ऑप्शन ए 10 N, 20 N, 5 N और 0। किसका सवाल है, एक्शन रिएक्शन का, जो मैं आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो थर्ड लॉ था वो, उस लॉ को हम एक्शन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है और जिसका आपको मास जो है वो 2 kg दे रखा है और एक बॉडी का मास 4 kg दे रखा है, तो एक बॉडी ये है इसका मास 2 और एक बॉडी इसका मास 4 kg है, तो पहली वाली बॉडी क्या लगा रही है, 10 N का इस पर फोर्स लगा रही है, तो बोल रहा है ये इस पर कितना लगाएगी, तो रिएक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, पहले वाले के बराबर, तो ये भी कितना लगाएगा, 10 N, ये इस पर इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इस पर इस डायरेक्शन में, लेकिन लगाएंगे सेम मैग्नीट्यूड से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यही तो मैं एक्सप्लेन किया था एक्शन रिएक्शन में न्यूटन के थर्ड लॉ में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10 N, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। अब देखो नेक्स्ट, अगला सवाल है कि
टू किलोग्राम बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्मूथ फ्लोर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज, यानी 2 किलोग्राम की एक बॉडी है और एक सीधी रेखा में एक चिकने पृष्ठ पर, चिकनी सतह पर 10 मीटर पर सेकेंड की एक समान गति से चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। तो उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परमाणिक बल, वो आपको बताना है कितना होगा। 20 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, या 2 न्यूटन होगा, या 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अच्छा सवाल है ये। तो मास और वेलोसिटी आपको गिवेन है, तो एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का जो मास है वो 2 किलोग्राम है और एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। तो हमसे बोल रहा है कि इस पर रिजल्टेंट फोर्स बताओ कितना होगा। देखो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है। अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तभी इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जनरेट होगा। बहुत थ्योरेटिकल बात और बहुत लॉजिकल सुन लो। अगर किसी बॉडी का, बॉडी जो है उसका मास m है और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, वो मूव कर ही जा रही है, उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, अगर उसकी स्पीड में चेंज नहीं आ रहा, दैट मींस एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अगर इसकी स्पीड में चेंज आ रहा होता तो वहां कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जनरेट होता। देखो ऐसे सोचो कि अगर कोई बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वही जो इसकी इनिशियल है वही उसकी क्या है? फाइनल। समझ में आ रहा है? जो इनिशियल है वही क्या है? फाइनल। क्योंकि वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? अब बताओ, चेंज इन वेलोसिटी तो वी माइनस यू, और दोनों क्या है? बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन 0। ये थ्योरेटिकल, ये आपका मैथमेटिकल मैंने प्रूफ कर दिया। अगर कोई बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी स्पीड से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, जबकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, वही जो इसकी इनिशियल है वही फाइनल है, दैट मीन 0। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो आप देखो एफ बराबर कितना होता है? एम इन टू ए, और मास कितना है उसका? 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो फोर्स भी उस पर कितना होगा? 0। सवाल को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, जब दिमाग में सेट कर लो कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा 0, और अगर एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0। क्लियर है? इसका आंसर कितना होगा? 0। ये नोट करो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। यानी सवाल आपको ये दे रहा है कि जो फोर्स है वो उस वेलोसिटी वेग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें बताना है ये जो वेलोसिटी है वो किस ऑप्शन को फॉलो करेगी। यानी वेलोसिटी पहला ऑप्शन दे रखा है कांस्टेंट, हाँ, कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, पहला ऑप्शन है ए, और बी बोल रहा है कि वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, और सी ऑप्शन दे रखा है कि टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि टाइम के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये हमसे बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखो सवाल के अंदर हमसे यही चीज गिवन है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/b, जब मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी, तो मैं इसको कर सकता हूं के बाई बी, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने सीखा था एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग है। तो आप एक बताता हूं, डेल्टा पी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं? एम इंटू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी वी ओवर डी टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप देखो ये फोर्स के बराबर है और ये भी फोर्स के बराबर है, तो भाई मैं इन दोनों को ऐसे लिख सकता हूं के अपॉन बी बराबर एम इंटू डी वी ओवर डी टी, नो इश्यू। अब आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? वी डी बी इंटू एम बराबर के डी टी, और एम कहाँ जाएगा? ये नीचे, ठीक है। अब आप एक काम करो, वी डी वी, तो इसका क्या करना पड़ेगा आपको? इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो आप।
अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू बराबर इसका क्या जाएगा, के एम बाई के एम इंटू टी। ये तो बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है, के अपॉन एम इंटू टी। और वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, टू के टी बाई एम, और वी बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए टू के टी बाई एम, और वी का टाइम के साथ क्या रिलेशन निकल के आ गया, रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है, ये निकल के आया, इसको नोट करो फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं जो तुमसे क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, जो समझाने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स और नेवी, अच्छा सवाल है और यहां से कॉन्सेप्ट बनता है। देखो सवाल क्या बोल रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 4 times टू इट्स इनिशियल वैल्यू देन न्यू मोमेंटम विल बी, यानी काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन, गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ संबंध की बात यहां हो रही है। तो ऑप्शन ए देखो आप, 3 times द इनिशियल वैल्यू, 4 times द इनिशियल वैल्यू, और डबल द इनिशियल वैल्यू, और डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की वो 4 times है इनिशियल के, ठीक है। तो देखो पहली बात तो सवाल के अंदर देखो कि यहां काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं ई बोल रहा हूं, इज हियर काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है, तो इसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहां हमसे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पी इन दोनों में रिलेशन की बात कर रहा है। पहली बात तो ये, मैं आपको हल्का सा समझाऊंगा और फिर आपको एक रिलेशन दूंगा आज, वो आपको याद रखना है, उससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायरेक्ट, यानी स्टेप आपके कम हो जाएंगे। अब देखो आप, जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। एक काम करो आप, इसको मोमेंटम बनाने के लिए आप एम से मल्टीप्लाई कर दो, एम से डिवाइड कर दो, तो देखो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, और P क्या होता था, P बराबर एम बी, तो ये क्या हो जाएगा बता, P स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, E बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m। आपको एक रिलेशन मिल गया आज काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो देखो P स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2me, और P बराबर क्या आ जाएगा, रूट 2me। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, पी स्क्वायर अपॉन 2m बराबर e। ये मैं आपको रिलेशन समझाया हूं डायरेक्ट। अब सवाल को देखो, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल ये बोल रहा है कि बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है e, जिसको मैं e बोल रहा हूं, वो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी मतलब e1 का 4 गुना है e2। ये समझने की जरूरत है, यानी जो प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना है, ठीक है, 4 times ऑफ E1 इज इक्वल टू E2। ये है सवाल के अंदर, और हमसे क्या पूछ रहा है कि मोमेंटम बताओ, मोमेंटम कितना होगा। तो देख लो आप, सिंपल है, तो ये क्या कहा जाएगा, E1 अपॉन E2 बराबर ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो हमसे आप लॉजिक लगाओ, मास की हमसे उसने आगे बोला है इफ द काइनेटिक एनर्जी, हाँ तो मास की हमसे बात नहीं कर रहा, तो मास कांस्टेंट दे रखा है बॉडी का, तो आप देखो क्या है, एनर्जी जो है वो डायरेक्टली पोर्शनल किसके है, पी स्क्वायर के। तो भाई एनर्जी पी स्क्वायर के डायरेक्टली पोर्शनल है, आप इस रिलेशन से देखो, ये मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो भैया एनर्जी किसके डायरेक्टली पोर्शनल होगी, पी स्क्वायर के। तो आप एक काम करो, ये क्या हो जाएगा, E1/E2 बराबर P1/P2 का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4, ये रिलेशन 1/4 बराबर P1/P2 का स्क्वायर, और देखो P1/P2 क्या निकल के आ जाएगा, 1/2, तो P1/P2 क्या निकल के आ जाएगा, 1/2। तो आप देखो P2 कितना निकल के आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पहले वाले का मोमेंटम, तो डबल ऑफ फर्स्ट। तो मैं आपसे बोल सकता हूं ऑप्शन सी इज करेक्ट, डबल द इनिशियल वैल्यू, यानी इनिशियल मतलब शुरुआत का जो मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम शुरुआत का मोमेंटम है, और ये आपका फाइनल मोमेंटम है, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो शुरुआत वाले का इनिशियल का डबल होगा, यही आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, ये नोट करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट ऑन अ मास एम एट रेस्ट, वेलोसिटी अक्वायर्ड इन द ट्रेवलिंग अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी एक निरंतर बल एक द्रव्यमान एम पर आराम से कार्य कर रहा है, यानी एक बॉडी है उसका मास एम है और उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, और निश्चित दूरी तय करने में प्राप्त वेग अनुक्रमानुपाती है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो बॉडी कुछ फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है तो उसका जो वेग होगा वो इनवर्सली सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन है रूट एम, वन बाई रूट एम और एम और वन बाई एम। ठीक है, तो देखो ये है कि आपके पास एक बॉडी है और इस बॉडी का जो मास है वो एम है और इस बॉडी पर लगातार एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो एक डिस्टेंस मान चलो फिक्स डिस्टेंस ये मानो एस, फिर ये क्या है फिक्स डिस्टेंस उसने प्राप्त कर ली फिक्स डिस्टेंस, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन आपके अंदर गिवन है। तो देखो ये बॉडी कांस्टेंट फोर्स जो लगा रही है एम मास की बॉडी पर वो कितना लगाएगी एम ए। ठीक है ये बात। अब हमसे क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी और मास, ऑप्शन में आपको मास ठीक है वन बाई रूट एम एम या एम ये दे रखा है ऑप्शन में, तो वेलोसिटी और मास का रिलेशन निकालना है। आप कैसे निकालें समझ रहे ना, वेग और मास का रिलेशन निकालना है। तो आप एक काम करो, आप यहां से एसलेशन निकालो तो एसलेशन कितना हो जाएगा एफ बाई एम, ध्यान से देखना, और आप यूज करो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस, क्योंकि उसने बोला है कि वो फिक्स डिस्टेंस चल रहा है कुछ। ठीक है, तो कोई बॉडी है उसका मास एम है, ठीक है, वो शुरुआत में जब चल रही होगी तो प्रारंभिक से तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी जीरो, तो वी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा टू ए एस। हमने इसलिए इस थर्ड इक्वेशन को यूज किया क्योंकि इस बॉडी का जो वेग है और जो डिस्टेंस है उसमें रिलेशन की बात कर रहा है, क्योंकि उसने सवाल में दिया है कि बॉडी कुछ फिक्स डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसा कोई रिलेशन बता दो आप जहां डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही हो, तो वो कौन सा है थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब आप एक काम करो एसलेशन की वैल्यू कितनी होती है एफ अपॉन एम, यहां मैं पुट कर लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा टू इंटू एफ अपॉन एम इंटू एस, ये वी स्क्वायर बराबर है तो वी बराबर कितना आ जाएगा रूट टू एफ एस अपॉन एम, तो बॉडी उसका कांस्टेंट फोर्स ये रहा फिक्स डिस्टेंस ये रही ये भी कांस्टेंट है, तो देखो बॉडी की जो वेग है वो मास के क्या आ गई रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आ गया ऑप्शन में वन बाई रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आई थिंक ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, देखो ये आपके लगभग सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूं बहुत अच्छे से, और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैं आपको यहाँ इस सेक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड करूँगा, तो आपका पार्ट नंबर वन ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको एलिवेटर और लिफ्ट के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसी वीडियो के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये चीज़ें पहुँचें, और मैं जितनी कंसिस्टेंसी के साथ आपके साथ लगा हुआ हूँ, प्रॉपर वीडियो लेके आ रहा हूँ, प्रॉपर लेक्चर बना के ला रहा हूँ, तो आप ही उसी कंसिस्टेंसी को दिखाइए, रेगुलर वीडियो देखिए और कमेंट करके और बताइए कि आपको लेक्चर किस तरीके के लग रहे हैं और हमें और क्या चेंज करने की नीड है। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गया डारी है ब्लू पर गया बट डारी है का ऑसम है।